आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। दाता सर्वशंतम संपदाम लोकाभिराम श्री राम भूयो भूय वर्मान्य आचार्य प्रवर्तन यहाँ पर समुपस्थित सुधी श्रोता जन पारायण करता जन मातृशक्ति जब हम आश्रमों में जाते हैं तो वहां हमको कुछ मिलता है। क्या मिलता है वहां पर हमको आध्यात्मिक वातावरण होता है जो हमारे जीवन की सफलता के लिए मूलभूत वस्तु है। हमको पता नहीं था कि जिस आश्रम में हम जा रहे हैं वहां पर ऐसा कोई आयोजन हो रहा होगा, लेकिन आश्रम है तो ये चीजें आपको जानकारी नहीं भी होगी तब भी यहाँ आने से इन सब चीजों को प्राप्त कर रहा हूं। बड़ा मन प्रसन्न हो रहा है ये देख करके कि आप लोग बड़ी ही शालीनता के साथ श्रद्धा के साथ बैठ कर यहाँ पर नवाह पा रहे हैं मानस का कर रहे हैं। ये हरिद्वार कई कई शास्त्रों में इसको गंगा द्वार भी लिखा हुआ है। यहाँ जो गंगा बहती है उसके तट का नाम है आनंद। गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद आनंद नाम का माने जो गंगा का स्नान करने के लिए आएगा तो गंगा में स्नान करने के लिए गंगा के तट से होकर के जाना पड़ेगा। तात्पर्य यही है कि गंगा की ओर उन्मुख होने वाला आनंद से होकर के ही उजरेगा। गंगा में जाओगे तो आनंद, गंगा से निकल के आओगे तो आनंद, आनंद ही आनंद। तो ये जो ब्रह्मद्रव है प्रवाहित हो रहा है गंगा के रूप में भागीरथी के रूप में, इसके दोनों किनारों पर आनंद है। और वो आनंद जो यहाँ पर आकर के आध्यात्मिक भाव से संबंधित होता है उसको प्राप्त है। तो आप सब यहाँ पर आए निश्चित रूप से आपको आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हो रही हो, और जिनको ना हो रही हो उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी दरवाजा कड़ा रहता है, खुलने में थोड़ी देर लग जाती है। तो अगर आप में से किसी को ऐसा अनुभव हो रहा है कि नहीं नहीं कोई आनंद नहीं है तो भी घबराइएगा मत, कुछ दिन तक सत्संग करते रहिएगा, आप देखेंगे कि आपको भी वो गहरा आनंद आने लग जाएगा। हम सब अत्यंत आह्लादित हैं। हमारे साथ शाकुंभरी पीठ सहारनपुर के पास है, 51 शक्ति पीठों में से एक, वहाँ पर जो शंकराचार्य आश्रम है उसके प्रभारी श्रीमान सहजानंद ब्रह्मचारी जी के बीच में आए, वहीं पर माता शाकुंभरी देवी के मंदिर के प्रांगण में ही दत्ता आश्रम स्थान था, वहाँ के प्रमुख ब्रह्मचारी ही आपके बीच में आए हैं। हमारे बीच में गुजरात के खेड़ा जिले में एक शंकराचार्य नगर जो द्वारका के ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य श्रीमान अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ जी महाराज ने परिकल्पित किया था, वहां पर शिवलिंगा का मंदिर बना है, द्वादश ज्योतिर्लिंग वहां स्थापित है, कैलाश धाम, और वहां पर मानसरोवर भी बना हुआ है। मानसरोवर से स्वयं जाकर के उन्होंने जल ला करके वहां विराजमान किया है। स्वामी जी जा भी आए हैं एक महीना पहले, वहाँ के हमारे ब्रह्मचारी रामानंद जी आपके बीच में। छत्तीसगढ़ में एक स्थान जगत गुरु जी के द्वारा निर्मित हो रहा था,
वहां पर 1.25 लाख शिवलिंग एक साथ विराजमान है। सपाद लक्ष्मेश्वर धाम 1.25 लाख शिवलिंग एक साथ रहेंगे, एक साथ उनका 1.25 लाख धारा से अभिषेक होगा, वैसी योजना है। और वो धाम का निर्माण हो रहा है, वहाँ के हमारे ब्रह्मचारी केशवानंद जी यहाँ हैं और ज्योतिर्मठ मद्रिकाश्रम हिमालय जोशीमठ में स्थित है, उत्तर भारत का तरह नायक ऋषिपीठ वहाँ से ब्रह्मचारी शरणानंद जी आपके बीच में आए हैं। और काशी में जगदगुरु जी महाराज का स्थान है, वहाँ से मुकुंदानंद जी और उनके सब साथी लोग आए। तो इतने सारे अलग अलग दिशाओं से संत महंत भी आपके कार्यक्रम में बिना बुलाए आकर के बैठ गए हैं, ये संकेत बताता है कि आपका जो ये अनुष्ठान हो रहा है वो पूर्णतया सफल है। तो बस भगवत कृपा आपके ऊपर ऐसे ही बनी रहे, धर्म में मति उत्तम गति होती है। इतना ही कहकर आप सबके लिए ज्योतिष पीठ अनुदार का शारदा पीठ के परम पूज्य जगदगुरु शंकराचार्य जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का आशीर्वाद आप सबके लिए व्यक्त करते हुए यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के YouTube को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में YouTube टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर YouTube का ऐप है तो YouTube खोल लीजिए। YouTube खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए, सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे, ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप खोल, जैसे ही आपको ये मिलता है आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोस, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।